रचने का काम किया, हम सबके बीच में उपस्थित थे। जोरदार तालियों के साथ वंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद 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 श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे लिए उत्साह का पल है कि हमारे राष्ट्र नायक, हमारे नेतृत्वकर्ता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। मैं सम्मान के साथ उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये पल और ये क्षण आज इतिहास बन गए हैं और इस पल और इस क्षण के हम सब साक्षी बने हैं, इसलिए इस देश की आधी आबादी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूं और देश की आधी आबादी नारी शक्ति की ओर से राष्ट्र नायक इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने युग परिवर्तन करने का काम किया है श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन करती हूं। और सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्र नायक, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, क्योंकि कहा गया है कि कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर हाथों में लकीरें तो देता है लेकिन रंग हमको भरना पड़ता है। आज इस देश में महिलाओं को नेतृत्व देने का, रंग भरने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी उन बहनों को जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वनिधि और उज्ज्वला योजना मिली है, वो हमारी कुछ बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनका वंदन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए यहां हम सभी के बीच में उपस्थित हुई है। मैं बड़े सम्मान के साथ बहन उषा को, बहन किरण को, बहन मुन्नी देवी को, बहन संजू देवी, बहन नीलम मरवाहा को आमंत्रित करती हूं कि वो बड़ी माला के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये पल और ये क्षण हम सब के लिए गौरवशाली है। हम सब जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें जिन्होंने हम सब सशक्त नारी की चिंता करके देश के चिंतन में हमारी भागीदारीता को सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए मंच के वो क्षण, वो पल जो दिल और भाव से देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे, वंदन करते हैं। देश की 4 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो कुछ बहनें भी हम सभी के बीच में उपस्थित है माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए। मैं बहन कविता, बहन नेहा, बहन रेहाना, बहन हेमलता, बहन उर्मिला को आमंत्रित करती हूं कि वो बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब बहनें जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें जिन्होंने युग परिवर्तित करने का काम किया है, असंभव को संभव करने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम सब बहनों को झोली में देकर हमें उपहार दिया है। जितनी भी बार हम अपने राष्ट्र नायक का धन्यवाद करें उतना ही कम है। बारंबार हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि जिन्होंने हम सब बहनों के नेतृत्व पर विश्वास किया,
और आने वाले देश की उन्नति और प्रगति में और भविष्य में हम सब बहनों की भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हम सब कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और अब मैं सम्मान के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करती हूं कि वो हम सबको मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारी मातृशक्ति, भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और यहां इतनी बड़ी संख्या में हर्षोल्लास से ओतप्रोत हमारी मातृशक्ति, जो आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहां पर एकत्र आई है। आप सब की ओर से और लाखों बहनें जो इस कार्यक्रम को टेलीविजन के माध्यम से, डिजिटल दुनिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उन सब की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है, जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, यह हम सबका सौभाग्य है। यह ऐतिहासिक घड़ी, यह भावनाओं से भरी हुई घड़ी, यह भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं, अनेकों कदम उठाए हैं। और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। अगर हम याद करें तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे, ये आपका अटूट निश्चय, आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ। यह हम सब लोगों ने देखा। अगर हम बात करें हमारे फौजी भाई वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, किसी ने राहत नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, ये कभी सोचा भी नहीं था, उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम, जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे,
लेकिन आपने भी, आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए, मैं 1-2 कार्यक्रम का जिक्र करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें 12 करोड़ बहनों को आपने इज्जत घर देकर के, जो उनका इज्जत और उनके जीवन के डिग्निटी से इज्जत के साथ जीने का जो रास्ता आपने दिखाया, जिसके लिए यूनिसेफ ने भी आपको गेम चेंजर का के दृष्टि से कहा कि ये गेम चेंजर साबित हुआ है। उसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि हर साल इस कारण से कम 3 लाख बच्चों की जानें बच रही हैं, इसको भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 69% मलकियत प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण में महिलाओं को मिली है, यह महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और जल जीवन मिशन में हमारे नोबल लॉरिएट माइकल क्रेमर कहते हैं कि यह लगभग 1.5 लाख लोगों को जीवन दान देने वाला यह कार्यक्रम चल रहा है, इसको भी कहा गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि डायरिया से 4 लाख बच्चों की जीवन की लीला बची है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कल का ऐतिहासिक दिन, नई संसद भवन में गणेश उत्सव पर पहले लोकसभा से निर्विघ्न वह प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान का संशोधन हुआ, और कल देर रात राज्यसभा से भी वह पारित होकर के वह एक सच्चाई के रूप में हम सबके सामने आया है। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं यही कहूंगा कि एक पर एक ऐतिहासिक घटनाएं आपके नेतृत्व में हो रही हैं, एक से एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, और यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा, यह भी हमको ध्यान में। इसलिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ पुनः मैं आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम सब बहने धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि कल जब ये अद्भुत पल इतिहास बने, हमारे राष्ट्रनायक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का तिथि के रूप में जन्मदिवस था, और इस जन्मदिवस के अवसर पर देश की आधी आबादी को उपहार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इस सोच के साथ कि मां भारती के उज्जवल भविष्य में मातृशक्ति की भी सहभागिदारिता हो, और इस भाव के साथ कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी, ये इतिहास रचने का काम किया, मैं बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सब बहनों को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। हम सब बहने जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है, जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मा और आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही है, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। यह अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है।
महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नियत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं, बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। हमने बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर भी पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई, महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए, माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया, बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन भी शुरू किए। आज वर्षों बाद देश में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है। इसी तरह शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना में
ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया, बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया, बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। मेरे परिवारजनों, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। बेटी को अंधेरे में न रहना पड़े इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं इसलिए हमने उसे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। बेटी की या घर की संपत्ति पर भी अधिकार हो इसके लिए पीएम आवास के घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। गृहिणी को अपनी बचत अनाज के डिब्बे में ना रखनी पड़े इसके लिए जनधन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले। मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। इस साल लाल किले से मैंने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन देने की योजना का भी ऐलान किया है। साथियों, सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही हैं। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3-3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है?
उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई, सरकार बनाई और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया, जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए लीपापूती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया लेकिन कुछ लोगों को इस बीच में तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो, क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए, क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाए। लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, इस कानून ने सिद्ध कर दिया है देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। मेरे परिवारजनों, मैं लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, उनके विकास को केंद्र में रखकर नीतियों की बात करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महिलाओं के नेतृत्व को, उनके सामर्थ्य को, उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा है। मैं वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, मेरे अपने अनुभव है कि जब मातृशक्ति को काम मिलता है तो कैसे परिणाम देती है। हमने गुजरात में समृद्ध ग्राम की योजना बनाई थी और उसमें एक विशेषता थी कि जहां पर गांव के प्रधान के रूप में महिला के लिए आरक्षण है, वो सीट रिजर्व है, अगर उस गांव के सब लोग मिलकर के निर्विरोध उसको चुनते हैं और सभी पुरुष अपने आप को विड्रॉ करके सारे मेंबर महिला, 100% महिला मेंबर, उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था। और गुजरात में हजारों ऐसी पंचायतें बनी थी
जिसमें एक भी पुरुष सदस्य नहीं था, शत प्रतिशत महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था। साथियों, महिलाओं की शक्ति, उनकी सोच क्या होती है, इसके मेरे पास अनेक उदाहरण है। गुजरात में तो मैंने बार बार इस सामर्थ्य को देखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो एक गांव की महिलाओं ने मेरा समय मांगा, वो गांव के चुने हुए लोग थे, तो बोले सब महिलाएं मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं नया था, अभी तो मुझे 6 महीने भी नहीं हुए थे, तो मैंने कहा काम क्या है, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलिए, फलाने को मिलिए। नहीं नहीं, बोले साहब उनका तो आग्रह, वो आपको मिलना चाहते हैं। वो गांव की माताएं बहनें थी। मैंने कहा अच्छा भाई, एक दिन बुला लेना, मैं मिल लूंगा। वो मिलने आई, 8-10 महिलाएं थी और उसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो बहन थी वो शायद 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी। तो मिलने आई, बोले हमारे गांव ने तय किया है कि एक भी पुरुष मेंबर नहीं होगा, सबकी सब महिला मेंबर होगी और इस बार गांव की प्रधान भी महिला होगी। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा इतना बड़ा आपको अवसर मिला है, अच्छा जब समय मांगा तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ पैसों के लिए आएंगे, कुछ योजना लेने के लिए आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आप क्या करना चाहती है। 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ी लिखी वो गांव की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पढ़े लिखे थे, वो 8-10 बहनें आई थी, गांव की बहनें थी, पहली बार गांधीनगर देखा था। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम सबके लिए प्रेरणा है। उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है, हमें 5 साल मिले हैं, हम 5 साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या दृष्टिकोण होगा उनका, और सच में ट्रांसफॉर्मेशन का कहां आधार होता है ये उनको मालूम था। ये सामर्थ्य और सोच हमारी माताओं बहनों के गांव में बेटी बहनों को भी होता है। साथियों, महिलाओं में सकारात्मक बदलाव की प्रवृत्ति और संसाधनों के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की दूरदर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था तो वहां शहडोल के पास एक आदिवासी गांव में गया तो सभी आदिवासी बहनों को बुलाया था, लेकिन विशेषता यह थी कि उसमें 100 से ज्यादा लखपति दीदी आई थी, आदिवासी बेटियां, लखपति दीदी। तो मैंने उनसे संवाद किया, एक बहन ने जो मुझे बताया वो वाकई हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ्य कितना है। वो आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लखपति दीदी हूं, मैं आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम करके इतना इतना कमाती हूं। तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो। एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है, ये दिल्ली की महिलाओं के लिए भी आश्चर्य होगा, वो कहती है कि मेरे पति साइकिल पे जाते थे काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए साइकिल पे जाते थे, मैं लखपति दीदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई। देखिए आत्मविश्वास, वो कह रही है मैं मेरे पति के लिए स्कूटी ले आई। फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रैक्टर ले लूं। बोले मैंने लोन से ट्रैक्टर लिया और मेरे पति को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बदले में ट्रैक्टर दे दिया, और मेरे पति ट्रैक्टर लेकर के अगल बगल के गांव में खेती के लिए, लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं। और बोले अब तो मेरी स्थिति है कि मैं कुछ ही महीनों में वो ट्रैक्टर की लोन भी वापस कर दूंगी। यानी एक मेरी आदिवासी बहन, लखपति दीदी की क्या विजन होता है, कल्पना होती है,
अभी एक दो महीने पहले मैं उनसे बात करके आया। साथियों, मुझे कहना यही है कि नारी शक्ति मंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा और उसके पीछे मेरा जो अनुभव है इसके कारण मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है। नारी जब कोई भी जिम्मेदारी संभालती है तो उस संकल्प को सिद्ध तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा। देश के लिए काम करने का जज्बा, भारत को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप गुजरात के डेयरी उद्योग को मैं भलीभांति जानता हूं, ये अमूल वगैरह इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना, उसके मूल में सभी महिलाएं हैं जो पशुपालन का काम करती है, दूध के व्यापार का काम करती है और आज डेयरी को अरबों खरबों का व्यापार उन्होंने बना दिया है। हम लोग लिज्जत पापड़ जानते हैं, आदिवासी महिलाओं ने शुरू किया हुआ प्रकल्प आज मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर मारने वाला लिज्जत पापड़, ये हमारी नारी शक्ति का परिचय देता है। ऐसा हर राज्य में आपको मिलेगा। उनका ये जो कौशल है, सामर्थ्य है, जो भगवान ने उनको नैसर्गिक गुण दिया हुआ है, वे कभी भी खराब क्वालिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। हो सके उतना अच्छा करना, अच्छे ढंग से करना, ये सामर्थ्य होता है। और ये शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में सक्रिय होती है तब राष्ट्र कितना आगे बढ़ सकता है इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। महिलाओं के इसी कौशल का, उनकी लीडरशिप का उपयोग अब आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। आप मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए, इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पर भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। मेरे परिवारजनों, आज परिवार से लेकर पंचायत तक, इकोनॉमी से लेकर एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप तक, हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। भारत को चांद तक पहुंचाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे स्टार्टअप्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान हो, महिलाओं की भागीदारी और भूमिका देश की ताकत बन रही है। देश ने संकल्प लिया है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तब तक हम भारत को विकसित बना करके ही रहेंगे, एक डेवलप्ड कंट्री बना करके रहेंगे। इसमें देश की जो आज आधी आबादी है उसकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के साथ सक्रिय भागीदारी, निर्णयों में बराबरी का हिस्सा, ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा फोर्स बनने वाला है। मेरे परिवारजनों, नया और आधुनिक संसद भवन और उसमें आधी आबादी का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व इन नई व्यवस्थाओं का सूत्रपात करेगा। मुझे विश्वास है कि देश की नारी शक्ति नई और स्वस्थ संसदीय परंपराओं का भी सृजन करेगी और इसी विश्वास के साथ आप सब इतनी बड़ी तादाद में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। भारत की संसद के इतने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय को माताओं बहनों ने संवारा और मुझे खुशी तो तब हुई जब इसको प्रधानमंत्री आवास मिला है, वो बहन मुझे आकर के आशीर्वाद दे रही है। जिसको उज्ज्वला का गैस मिला है, वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा कर चुकी बहन मुझे आशीर्वाद दे रही है, तब मेरा पक्का विश्वास और मजबूत हो जाता है
और इसलिए मैं फिर एक बार आप सबको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको गांव गांव घर घर पहुंचाना हम सबका दायित्व है और इस सामर्थ्य को और तेजी से आगे बढ़ाएं, इसी एक अपेक्षा के साथ सभी माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से बोलिए भारत माता की। आवाज पूरी दिल्ली में गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हम पुनः अभिनंदन करें कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें और हमारे बीच में वो उपस्थित हुए। धन्यवाद 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 श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद 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 श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी मंचासीन सभी विभूतियां, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी बहनें और सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं मुकेश गामोज गोटात से, मैं हीरालाल जी केसरीमल के वहाँ से बहुत लंबे समय से गोल्ड वगैरह खरीद रहा हूँ। मेरे दादाजी के टाइम में मतलब गोविंद जी गामोज और उनके लड़के जयशंकर जी गामोज और मैं उनका लड़का हूँ मुकेश गामोज, हम तीन तीन पीढ़ियों से और हमारी पूरी गामोज फैमिली जो वो हीरालाल जी केसरीमल जी यानी कि नरेंद्र जी और प्राशुत जी के पास से अभी भी हम गोल्ड ले रहे हैं। प्राशुत जी और नरेंद्र जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और वो बोलने में, कस्टमर से बात करने में हर तरह से अच्छे हैं और गोल्ड हम कभी लाए भी हैं, हमने अगर रिटर्न भी किया तो उसकी अच्छी कीमत मिली है और हर हमेशा हम गोल्ड विवाह में या किसी भी तरह की इमरजेंसी में गोल्ड वहीं से खरीद के आए। मेरे बड़े भाई साहब हसमुख जी गामोज, दिलीप जी गामोज और हमारी पूरा गामोज परिवार गोल्ड वहीं से लेता है और काफ़ी लंबे समय से गोल्ड भी बहुत ही अच्छा रीजनेबल और कीमतों में भी बहुत अच्छा है और वहाँ जितने जो काम करते हैं नौकरी वाले या जितने भी, सबका व्यवहार भी हमारे साथ बहुत अच्छा है। हमारे गांव के मनोज जी हैं जो बहुत लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं, उनके व्यवहार के हिसाब से भी हम वहां लंबे समय से टिके हुए हैं और प्रदीप जी भाई साहब जो गामोटवाड़ा के हैं उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और कुल मिला के हीरालाल जी केसरीमल जी की दुकान जो है वो नरेंद्र जी के व्यवहार, प्राशुत जी के व्यवहार के हिसाब से और वहाँ गोल्ड जो है उसके हिसाब से एक लंबे समय से चल रही है और हम आगे भी वहाँ व्यवहार बनाए रखेंगे और हम गामोट फैमिली केसरीमल जी की दुकान बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।